देखिए, आज हम सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं कैटेलिस्ट का। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको टाइप ऑफ कैटेलिस्ट बताया था। आज हम बताएंगे जो सॉलिड कैटेलिस्ट होती हैं, जो मेटल, नॉन मेटल, एलॉयज इनके बने हुए होते हैं, उनकी क्या स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो हेडिंग डाल दीजिएगा, लिखो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड कैटेलिस्ट। हेडिंग डाल दी। The solid catalyst may be of metal, non-metal, मतलब ये metal का भी बना सकता है, non-metal का भी हो सकता है, alloy भी हो सकता है, मेटल ऑक्साइड भी हो सकता है एंड मेटल सल्फाइड भी हो सकता है। लिख लीजिए, इसका भी बना हुआ हो सकता है। इसकी जो इफेक्टिवनेस, द इफेक्टिवनेस ऑफ सॉलिड कैटेलिस्ट डिपेंड अपॉन, मतलब सॉलिड कैटेलिस्ट की जो इफेक्टिवनेस है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहला सेलेक्टिविटी और सेकंड एक्टिविटी। ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, ये देखो सेलेक्टिविटी एंड एक्टिविटी। चलिए अब पहली हेडिंग डाल दो सेलेक्टिविटी। समझ लीजिए, मतलब ये समझ लीजिए कि रिएक्टेंट तो एक ही है लेकिन अलग अलग कैटेलिस्ट के डालने पर प्रोडक्ट अलग अलग बनता है ना। जैसे कोई आपसे कहे कि आप अपने घर से निकलो, यहां जाओ, कैटेलिस्ट आपने अलग अलग ले, तो रिएक्टेंट तो एक ही होगा लेकिन कैटेलिस्ट अलग अलग लेने पर प्रोडक्ट भी अलग अलग बने। ये इसे बोलते हैं सेलेक्टिविटी। लिख लो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, लिख लो क्या है। पेपर में अगर सेलेक्टिविटी आ जाए तो लिखो द एबिलिटी ऑफ अ कैटेलिस्ट टू डायरेक्ट आ रिएक्शन। डायरेक्ट मतलब बताना कहां जाना है, निर्देशित करना, डायरेक्ट आ रिएक्शन बाय इट्स प्रेजेंस। इस कॉल्ड सेलेक्टिव। लिख लीजिए मेन इसके एग्जाम्पल से सारी बात आपकी समझ में आए, है ना। तो आप इसको लिख लो फिर मैं आपको बताता हूं। लिख लिए मेन एग्जाम्पल। जैसे हम 11th क्लास का एग्जाम्पल ले रहे हैं,
ये ब्यूट टू आइन, बहुत माना हुआ रिएक्शन है, आपको याद होगा इसका रिएक्शन हाइड्रोजन पे करवा। अगर आपने यहां पर निकिल ले लिया या प्लेटिनम ले लिया या आपने लिंडलार्स कैटेलिस्ट ली, याद है लिंडलार कैटेलिस्ट PDBaSO4 इनएक्टिवेटेड बाय सल्फर, इसको बोलते हैं क्या लिंडलार कैटेलिस्ट। या आपने ले लिया सोडियम और ले लिक्विड अमोनियम, इसको बोलते हैं बिर्च रिडक्शन। ये तीनों रिएक्शन 11th क्लास की हैं, आपने पढ़े हैं एल्कीन और एल्काइन में, ध्यान। तो देखिए पहले इन दोनों को देखिए, ये कंट्रोल्ड रिडक्शन कराते हैं दोनों। होगा क्या, एल्काइन जब इससे रिएक्शन करेगा, एक बॉन्ड जब हटता है, पढ़ाया आपने ये ट्रिपल बॉन्ड था डबल रहेंगे, एक बॉन्ड हटता है तो बगल से दो वैलेंसी फ्री हो जाए। ऐसे ही जब ये हाइड्रोजन का रिएक्शन इसके संग होगा तो भी यही होगा, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, एक बॉन्ड हटेगा दो वैलेंसी फ्री होंगी, इसमें भी दो होंगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, और ये दोनों एच इस पर है, इसको कहते हैं सिस बॉन्ड, सिस टू ब्यूटीन या सिस ब्यूट टू ब्यूटीन। सिमिलर ग्रुप सेम साइड में लग जाए क्या कहलाता है सिस, लेकिन ब्रिज रिडक्शन में अपोजिट साइड में जुड़ा रहा तो इसको कहते हैं ट्रांस ब्यूट टू। तो ध्यान रखें लिंडलार सिस बॉन्ड बनाता है, ये ट्रांस बनाता है, लेकिन अगर आपने ये ले लिया तो रिएक्शन तब तक होगा जब तक ये सिंगल बॉन्ड ना बन जाए। देखें कैसे, एक बॉन्ड हटा दो वैलेंसी फ्री हो, फिर एक बॉन्ड हटा फिर दो वैलेंसी फ्री हो, इन पे एच लगा, बताओ ब्यूटेन बन गए। तो जब ये लेंगे तो आपको इसके दो मोल लेने पड़े, और इनको लोगे तो एक मोल हाइड्रोजन से ही काम चल जाएगा। तो आप देख रहे हो रिएक्टेंट तो एक ही है, यही रिएक्शन कर रहा है, लेकिन कैटेलिस्ट के बदल देने पर प्रोडक्ट अलग अलग बन रहा है, तो इसी बोलते हैं सिलेक्टिविटी, कि आपने कौन सा कैटेलिस्ट सेलेक्ट करा है उसके बेसिस पे प्रोडक्ट बन रहा। लिए तो ये सेलेक्टिविटी का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। अब दूसरा दे, एक एग्जाम्पल और दे, एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो ये मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजन पे रिएक्शन कराया, बिल्कुल वैसे ही तीन पॉसिबिलिटी। कैटेलिस्ट क्या लिया, अगर आपने निकिल लिया या क्रोमियम ऑक्साइड लिया या कॉपर में, अगर निकिल लोगे तो क्या बन जाएगा मीथेन, क्रोमियम ऑक्साइड लोगे बन जाएगा मीथेनॉल, और कॉपर लोगे तो बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। तो अलग अलग कैटेलिस्ट के लेने पर रिएक्शन तो सेम है, अलग अलग कैटेलिस्ट से प्रोडक्ट अलग अलग बन रहा है, इसी को बोलते हैं सेलेक्टिव। ये दो एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्हें के लिए। चलो अब इसका सेकंड पॉइंट आता है, हेडिंग डालें एक्टिविटी। तो पहली करेक्टरिस्टिक थी सेलेक्टिविटी, दूसरी है एक्टिविटी, लिखो।
डेफिनेशन लिखो, लिखो द एबिलिटी ऑफ कैटेलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिविटी। मतलब आपने किसी रिएक्शन में मान लो कैटेलिस्ट डाल दिया, तो उसने उसकी स्पीड इंक्रीज कर दी, रिएक्शन तेज होने लगा, बस यही प्रॉपर्टी कहलाती है एक्टिविटी। जैसे एग्जांपल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है वाटर, ये सब बच्चे जानते हैं। मान लो इस रिएक्शन की स्पीड जो है रेट वो आ रहा है, मान लो 10 घंटे में हो रहा है रिएक्शन। अब यही रिएक्शन द्वारा से मान लो इसका R2 रेट है, इसमें कैटेलिस्ट डाल दिया प्लेटिनम, तो प्लेटिनम के डालने से, कैटेलिस्ट के डालने से ये रिएक्शन जो पहले बिना कैटेलिस्ट के हो रहा था, इसकी स्पीड कई टाइम्स बढ़ जाती है। मतलब R2 जो है वो 10^10 टाइम्स हो जाता है। मतलब अगर ये कई घंटे में हो रहा है तो ये चंद सेकंड के अंदर हो जाएगा, ये समझ। इस कैटेलिस्ट की प्रेजेंस से रिएक्शन की स्पीड का बढ़ जाना यही तो कहलाता है एक्टिविटी। एक्टिविटी आप देखोगे, आपको बताया जाएगा पीरियोडिक टेबल में 5th ग्रुप से लेकर 11th ग्रुप तक, इस ग्रुप तक बढ़ती चले जाती, लेकिन मैक्सिमम तब होती है एक्टिविटी 7th से 9th ग्रुप के बीच, इस समय मैक्सिमम। तो लिखो, इसको हटा देते हैं तब लिखवा दें। लिखिए of the catalyst increases from 5th to 11th group in the periodic table। पीरियोडिक टेबल में 5 से लेके 11th ग्रुप तक एक्टिविटी बढ़ती चले जाती है, एंड मैक्सिमम फ्रॉम 7th to 9th ग्रुप, इस समय मैक्सिमम होती। बताइए हो गया क्लियर आपको? ये आपको दो पॉइंट सॉलिड कैटेलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक सिखाई गई हैं, सेलेक्टिविटी एंड एक्टिविटी। बोर्ड के हिसाब से देखा जाए चाहे कंपटीशन के हिसाब से, दोनों हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तो ढंग से लिख के याद करें, खासकर इसके एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक।